हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है हमारे एक और नए सीरीज में जिसका नाम है इंटरमीडिएट टू प्रो। इस सीरीज में हम बात करेंगे आपको इंटरमीडिएट लेवल की सारी सेटिंग, यानी बिगिनर से थोड़ा सा ऊपर उठकर जो भी सेटिंग आती है फ्री फायर की, हम सब उसके बारे में बात करेंगे। इसमें बहुत सारे लोग मुझसे पूछे थे, भाई हम यूट्यूबर जैसा गेम प्ले कैसे करें, या फिर यूट्यूबर जैसे हेडशॉट कैसे मारें, या फिर यूट्यूबर जैसे की मैपिंग कैसे सेट करें। हम कुछ इसी प्रकार के टॉपिक पर हम इस प्लेलिस्ट में पूरा चर्चा करेंगे। इस सीरीज की आपकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको हमारे इसमें मिल जाएगी चैनल में, और अगर आप बिगिनर हो तो आप एक बार जाकर हमारी बिगिनर टू एडवांस वाली सीरीज को जरूर देख लेना, जिसकी प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करें। अरे उल्टा बोल दिया भाई, मतलब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी मैपिंग में आपका थोड़ा जॉयस्टिक स्टक हो जाता है, माउस स्टक हो जाता है, वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आपके मोबाइल के आपके पीसी के कस्टम स्टूडियो को ओपन कर लेना। कस्टम स्टूडियो को ओपन होने के बाद जितने भी सब चीजें इनको सबको छोटा छोटा कर देना। याद रखो आपको सिर्फ फायर बटन को, लेफ्ट फायर बटन और राइट फायर बटन की पोजीशन को अभी चेंज नहीं करना है, इनको आपको बाद में चेंज करना है। उससे पहले सबसे पहले आपको जो ग्लू वॉल रहती है या रन बटन का रहता है, देखो पहले मेरा रन बटन का वहां पर था तो मैंने उसको अब यहां पर सेट किया है। मेरा स्टिक ऊपर था तो वो स्टक होता था, इसलिए मैंने इसको नीचे रख दिया है। बाकी ये ट्रांसफर वाली बटन बहुत कम काम आती है। उसके बाद जो भी मैं चीज़ ऐसी सेटिंग कर रहा हूँ ना, उसको थोड़ा मैं मतलब सोच समझ कर ही सेटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। सभी चीज़ को मैंने एक्स को यहाँ पर कर दिया, और फिर जो हमारी डबल एक्टिव स्किल रहती है, इन सबको मैंने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सेट कर दिया है। और जो ये हमारे प्लेयर का नाम रखता है, वैसे तो कुछ काम में आता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रो लेवल का दिखाने के लिए मैंने इसको साइड में रखा है, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर लोग इसको साइड में रखते हैं, तो तब मैं गेम प्ले करूँ तब उसको यहाँ पर रखें। अब आप यहाँ पर ये रिवाइव वाला देख सकते हो, तो मैंने रिवाइव का ने इन दोनों की साइज को छोटी करके दोनों को एक जगह पर रख दिया, रिवाइव और यूज़ का। इससे क्या रहेगा कि हम जैसे एक ही बटन से रिवाइव कर पाएंगे और एक ही बटन से हम यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि दोनों जगह एक साथ काम नहीं आती है। उसके बाद हमारा जो ये सब चीज़ रहती है, इनको आपको थोड़ा सा इतना छोटा नहीं कर लेना है इन सबके साइज को, कि आपको दिखे ही नहीं कि कौन सी गन में कितनी गोली है। उसके बाद आपको पता है तीन बटन, यानी कि वो तीनों बटन एक साथ कभी भी काम में नहीं आती, जैसे कि हमारी इधर उधर देखने की और फ्री लुक और ये हमारा डबल एक्टर पकड़ने वाला, ठीक है। आपको जो चीज़ काम नहीं आती है, मतलब तीनों चीज़ को बड़े एक बटन से ही काम हो जाएगा, तो मैं उन बटन के ऊपर ये कर लेता हूँ, ठीक है, तीनों बटन को एक साथ रख दिया। अब उसके बाद हमारा जो ऑटो वाला चीज़ रहता है, इसके बाद जितनी भी आपको जो छोटी मोटी चीज़ रहती है उनको आपको आपके हिसाब से सेट कर लेना, जैसे कि मैप को छोटा करना है, प्लेयर वाले को छोटा करना है, एचपी को छोटा मोटा करना है, इनके ऊपर वाली चीज़ को छोटा मोटा करना है। लेकिन मेन जो चीज़ है वो है हमारी फायर बटन, लेफ्ट फायर बटन और राइट फायर बटन। तो देखो मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा कि इधर उधर चेंज होता हुआ, ये आप लेफ्ट फायर बटन को देखो मैंने इधर से उधर कर लिया है, जहाँ लेफ्ट फायर बटन थी वहाँ पर मैंने राइट फायर बटन को कर दिया, और लेफ्ट फायर बटन को थोड़ा सा मैंने इस तरफ आप यहाँ पर नीचे रख दिया है। देखो आप ये सब चीज़ चेंज कर रहे हो ना, तो जो मैक्रो आपने सेट किया है इन बटन से, तो वो मैक्रो भी आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा कस्टम चेंज हो रहा है, तो आप याद रखो आपके मैक्रो भी अलग हो जाएंगे, इसलिए आपको आपके मैक्रो को भी फिर से बनाना पड़ेगा। देखो मैंने मेरी लेफ्ट फायर बटन को राइट फायर बटन की जगह पर कर दिया, और राइट बटन को फायर को लेफ्ट की जगह कर दिया। अब इसके बाद मैंने सुना है कि लेफ्ट फायर बटन से ज्यादा हेडशॉट लगते हैं, इसलिए मैंने चेंज किया है। बाकी अगर आपको फर्क नहीं पड़ता हो तो आप राइट बटन को इस जगह पर रख लेना जहां मैंने रखा हुआ है। इसके बाद आपको इसको सेव कर देना और आपके की मैपिंग वाले सेक्शन पर आ जाना है। इसके बाद जो सबसे पहले आपको काम करना है ना, वो है आपके जो मैक्रो सेट कर रखे थे, जैसे कि सीटअप का हो या डबल एडब्ल्यू का, तो आपको उन मैक्रो को हटा देना है। जैसे मैंने दोनों मैक्रो हटा दिए, जो कि डबल एडब्ल्यू और सिंगल एडब्ल्यू। इसके बाद जो भी बटन आपकी जहाँ पर सेट थी, तो आपको उस बटन को वहाँ पर सेट कर देना, जैसे जी एफ एच आई की। और जो माउस वाला रहता है इसको थोड़ा सा खाली एम्प्टी जगह पर रखना है, एक्स वाई का। इसके बाद इसको पिन का हमारा राइट माउस बटन से होता है, तो मैंने उस जगह पर उसको सेट कर दिया। डबल एक्टिव का हमारा इससे सेट होता है, तो मैंने डबल एक्टिव को जहाँ पर था वहाँ पर एक इस सब चीज़ को रख दिया। जेड से हमारा ग्रेनेड होता है, तो मैंने ग्रेनेड को रख दिया। ओ से हमारे रिपेयर किट लेते हैं, तो मैंने रिपेयर किट वाली जगह पर रख दिया। डब्ल्यू एच डी को मैंने उस जगह पर प्लेस किया जहाँ पर हमारा स्टक नहीं होगा, यानी कि नीचे कॉर्नर में हमारा स्टक नहीं होगा, इसलिए मैंने डब्ल्यू एच डी को वहाँ पर प्लेस कर दिया, जहाँ पर मेरे जो भी बैकपैक वाले थे मैंने उन सब चीज़ को कर दिया। अब मेरा यहाँ पर मैंने देखो एक क्यू वाला मैंने नया बनाया है, क्यू से हमारा दौड़ता है, तो मैंने क्यू वाले की जगह जी कर दिया था, तो इसलिए मैंने क्यू का नया बनाया। और देखो मैंने जे वाला कम्युनिकेशन वाला मैंने यहाँ पर रखा है, जिससे हमारा वो बटन रहता है। और ये देखो माउस वाला जो फायर बटन देता है, इसको देखो आपको ध्यान से रखना है, लेफ्ट फायर बटन के ऊपर टॉप जगह पर रख देना है, ठीक है। जैसा मैंने रखा है उस जगह पर आपको कुछ लेफ्ट फायर बटन को रख देना। अब मुझसे बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं, आप बाई की बटन पर क्लिक कर भी इतनी जल्दी जल्दी कैसे बाई कर लेते हो? तो चलो इस सीक्रेट का भी मैं राज आपको बता देता हूँ कि मैं इतनी जल्दी कैसे बाई कर लेता हूँ। तो इसके लिए आप देख सकते हो मैं इतनी जल्दी गन बाई कर रहा हूँ, तो इसका सीक्रेट है हमारी की मैपिंग। इसके लिए जब आप सी एस में जाओ या फिर ट्रेनिंग ग्राउंड में जाओ, तो आपको कुछ इस प्रकार से, जैसे मैंने ऑप्टेंट की जगह एक कंट्रोल को सेट कर रखा है, तो आप इस जगह पर कर सकते हो। आप इसका मतलब है जहाँ पर आपका ऑप्टेंट वाला ऑप्शन आ रहा है ना, यहीं पर आपका सी एस में बाय वाला ऑप्शन आएगा, यहीं पर आपका वेंडिंग मशीन से बाय वाला ऑप्शन आएगा। तो आपको एक बार सिर्फ उस बटन पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आप जैसे ही करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली ही बाय हो जाएगा, ठीक है। ऑप्टेंट वाली बटन पर आपको किसी भी बटन की मैपिंग सेट कर देना है। ये तो हो गई भाई हमारी बाय फास्ट मूवमेंट की, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं बता, मैंने तो आप लोगों को समझ में आया, इसलिए इन सब चीज़ की ट्रांसपेरेंसी को ज़्यादा रखा था, लेकिन आप एक बार आप समझ जाओ तो आपको इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर लेना है, ठीक है। जैसे कि हमारे मैंने से दौड़ने वाली बटन रहती है, हमारे इन सब बैकपैक की, सबकी ट्रांसपेरेंसी को आप कम कर लेना, इससे थोड़ा बहुत आपका कूल लगे
लगेगा, जो भी आप खेलोगे बंदे के सामने तो वो बोलेगा भाई क्या ही तो फूल वाला इसने बनाया यार अपना सेट। लेकिन याद रखो इसके बाद आपका मैक्रो गायब हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आपको नए मैक्रो सेट करना पड़ेगा। डबल AWM का मैक्रो याद रखो, आप जो भी अपनी मेन फायर बटन रहती है आप भले उसको लेफ्ट साइड में रख लो या राइट साइड में रख लो, डबल AWM का मैक्रो उसी बटन से आपको लगाना है। इस एडवांस लेवल की मैपिंग का मतलब यही था कि आप एक बटन से मल्टी काम कर लो, जैसे कि आप बहुत जल्दी जल्दी, और जैसा मैंने बताया आपको एफ वाली जो हमारी बटन रहती है हम उससे मल्टी काम कर सकते हैं, जैसे एफ से हम हमारा सामान उठाना या फिर एफ से रिवाइव देना या फिर ऐप से हमको भी चीज़ ओपन करनी रहे या फिर ऐप से हम कुछ भी चीज़ को यूज़ करना रहे, यही सब काम हमारे इस एडवांस लेवल की सीरीज में होने वाले। एडवांस लेवल की सीरीज में और भी कुछ इस प्रकार के वीडियो आएंगे, जैसे मूवमेंट लगा के बहुत सारे फास्ट ग्लोबल आसपास आप कैसे लपेट लो, दो ग्लोबल में कैसे पेक हो सकते हो, यूट्यूबर जैसे हेडशॉट कैसे मारे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारे वीडियो इन्जॉय करा होगा और आप इस सीरीज को पूरा देखना, इसकी प्लेलिस्ट पूरी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।